में शुरू होने वाली है रामलीला, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग एंजॉय करना। मस्त एकदम बढ़िया खतरनाक ही सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छे करैक्टर है, तो आप लोग एंजॉय करना, ठीक है। अगला सीन तैयार है। यह हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें गुरुदेव के साथ उनके साथ चलने का मौका मिला। उन्होंने सुबह से मुझे बोला था कि तुम्हारे लिए भरपेट आहार लेके आऊंगा और अभी तक आए क्यों नहीं? मरीच, मरीच देख में आ गया। मरीच मैं यहाँ हूँ, तेरे लिए कितना शिकार लाया हूँ। नीचे भैया, लगता है इसे काट देते हैं। काटो भैया, काट दो भैया, काट दो। कहा भैया, तुमने चाची का पता किया भैया? हाँ भैया, मैंने तो सोचा चाची आपके साथ है। क्या बोलते हो? नहीं भैया, सच कह रहा हूँ। सोचा चाची तुम्हारे साथ होगी। नहीं भैया, मेरे साथ चाची नहीं थी। तुम झूठ बोलते हो। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। चाची को देखो। नहीं भैया, मैंने चाची को नहीं देखा। पहले हम चाची को ढूंढेंगे। सही कह रहे हो भैया, शिकार खाएंगे। हाँ भैया, क्योंकि चाची भी बिना हमारे शिकार नहीं करती थी। सही कह रहे हो भैया। चलो चलो भैया, लेके चलो और चाची को पकड़ते हैं। चलो भैया, आओ भैया। हाँ भैया, तुमने मुझको देखा भैया? हाँ भैया, क्या तुमने मुझको देखा? देखो भैया, देखो। भैया चाची का पता लगाते भैया, इतनी देर हो गई। हाँ भैया, चाची का कुछ नहीं पता भैया। चाची अकेले ही आहार खा रही है। नहीं भैया, कान में कुछ कर रहा है भैया। सही करो भैया, चाची को ढूंढते हैं। हाँ भैया, तुम इस तरफ देखो। हाँ भैया, मैं इस तरफ जाता हूँ। देखो भैया, देखो। हाँ भैया, चाची तुम कहाँ हो? ओह भैया। हाँ भैया, इधर ये देखो, चाची तो मरी पड़ी है। हाँ भैया, सही कहता हो। लगता है खा पी कर चुप पड़ी है। नहीं भैया, देखो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैं देखता हूँ, चाची तो एकदम ठीक है। लगता है चाची ने कुछ आहार ज्यादा ही खा लिया है। ठीक कहते हो भैया। हाँ भैया, और चाची तुमने अपनी यह दिशा क्या बना रखी है? उठाओ, हम तुम्हारे लिए आहार। ना जाने आगे और क्या क्या देखना बाकी है भैया। भैया, जिस पर गुरुदेव कृपा करते हैं उसका हमेशा कल्याण ही होता है। आओ मरीच, आओ। लगता है यही कहीं छुपे हैं। आओ, मुझे लगता है, ये देखो मरीच, तुम सावधान हो जाओ। देखो, मुझे लगता है इन दोनों ने ही उस चाची को मारा होगा। चलो चलो, उनका पता करते हैं। अरे बुढ़े, ये क्या तूने यहाँ सोहा सोहा लगाया है? तुम्हारे यज्ञ को भंग करता हूँ। अरे बच्चों, क्या तुमने ही चाची को मारा है? अब देखो मैं तुम्हारी क्या दशा करता हूँ। अरे तू ही सावधान हो जा। तूने इस प्रकार के घृणित कार्य किए हैं, तेरा इस जन्म में रहना संभव नहीं है। अच्छा, तू छोटा सा बच्चा मुझे समझाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना? तुझे तो मैं फूंक से ही उड़ा दूंगा। अरे दुष्ट, सावधान हो जा। तुझे भी तेरी चाची के पास भेजता हूँ। थोड़ी सावधान हो जा। क्या देख रहा है? इसी तो मैं बिना फल के बाहर चढ़ाता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आगे चलें? हाँ राम, अवश्य। चलो लक्ष्मण, चलिए गुरुदेव। रामचंद्र महाराज की। भैया देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता हो। शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मत खोरी नाथ नमा लक्ष्मण, इसको गुरुजी की पूजा हेतु रख लो। कितना सुंदर पुष्प है भैया। देखो इसकी यह पंखुड़ियां क्या अनोखी शोभा दे रही हैं। सत्य कहते हो भैया। मन करता है कि यही बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर लें। सत्य कहते हो भैया। तो फिर चलो भाई, मज़ा आ गया रामलीला देख के। और अब चलते हैं सीधा रूम। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो और रामलीला देखने में मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब जो नेक्स्ट है वो शायद देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है कल सुबह कहीं बहुत ही अर्जेंट। तो शायद नेक्स्ट देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, पर चलो जो भी है आई होप आपने ये वाला इन्जॉय किया। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक से काम नहीं चलेगा। लाइक के साथ कमेंट भी करो, कमेंट में लिखो जय श्री राम। तो शेयर करो, और जो नए हैं चैनल में वो करो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।